Marshalls, the number one wallpaper company, presents... मार्शल्स कॉमेडी अवार्ड में हमारा एक नारा है हास्यमेव जयते, और इसी नारे की गूंज आई गलियों और चौराहों में जब हम निकले कोई भी आओ हंसा के दिखाओ बोलते हुए। दिस वॉज एन इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट प्रपाउंडेड बाय मिस्टर बलदेव शर्मा ऑफ मार्शल्स, जिसमें पीपल जस्ट वॉक्ड इन टू मेक अस लाफ। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या गुनाह किया है कि हमें आपने नहीं हंसाया, आप खुद जज करेंगे। मैं आपसे कहूंगी, आई एम गोइंग टू टेक अ वोट, अ पब्लिक वोट राइट नाउ विद द अमाउंट ऑफ हैंड्स दैट आर रेज्ड व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन कि किसको आपको पहला चुनना है, दूसरा चुनना है और तीसरे दर्जे पर चुनना है। तो प्लीज वेलकम द फर्स्ट ऑफ द थ्री कॉन्टेस्टेंट्स गोइंग टू कम एंड एंटरटेन यू राइट नाउ, एंड दैट इज नन अदर देन द वेरी स्मॉल लिटल कॉन्टेस्टेंट एंड हिज नेम इज जय। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जय। मेरे हास्य रसिक श्रोता जनों को जय कलियारा का प्यार भरा नमस्कार। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक शायरी से कर रहा हूँ कि असली मजा प्यार का रंग में होता है, असली मजा प्यार का रंग में होता है, हार जीत का तो फैसला जंग में होता है, हार जीत का तो फैसला जंग में होता है, अंगूठी की कुछ कीमत नहीं, नजारा नंग में होता है, जैसे अच्छे बुरे का असर संग में होता है। एक बार एक दोस्त ने मुझे बोला, दम पति किसे कहते, तो मैंने उसे बोला जिसमें पति का दम निकल जाता है उसे दम पति बोलते। आंखों में आंसू की लकीर बन गई, आंखों में आंसू की लकीर बन गई, शौचालय था ऐसी तकदीर बन गई, शौचालय था ऐसी तकदीर बन गई, हमने तो यू ही फिराई थी कागज पे उंगलिया, हमने तो यू ही फिराई थी कागज पे उंगलिया, देखा तो तुम्हारी तस्वीर बन गई। एक गांव में एक चमत्कारिक मंदिर, वो चमत्कारी मंदिर में खूबी क्या थी कि जो कोई एल्डर भगवान के दर्शन करने जाता है वो गायब हो जाता है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए, गायब हो गए, लालू प्रसाद यादव गए, वो भी गायब हो गए, सचिन तेंदुलकर गए, वो भी गायब हो गए, लेकिन एक दिल विपासा बसु गई तो भगवान खुद गायब हो गए। एक दोस्त ने मुझे बोला, आजकल हमारा सारा देश एसएमएस से चल रहा। मैं तो घबरा गया, मैंने दोस्त को बोला एसएमएस का मतलब क्या होता है, तो दोस्त ने मुझे बोला इतना भी नहीं समझते, एसएमएस का मतलब सरदार मनमोहन सिंह। आगे का लालू तो कैसा था, जो गाय को घास खिलाता था और गाय का ग्वाला जाला जाता था। आज बरसों बाद कलयुग आ गया है, यादव कुल में एक लालू पैदा हुआ है, जो गाय का घास खा जाता है और बटले में डायरेक्ट रबड़ी देता है। एक बार मैं और मेरे दोस्त बीआर कार्यक्रम देने को जा रहे थे ट्रेन, बीआर का स्टेशन आया, ट्रेन खड़ी रही और उतर के हम सीधे मिठाई वाले के पास गए, तो मिठाई वाले ने मेरे दोस्त को दो चाटे लगा दी, फाड़ फाड़। मैंने बोला तेरे को क्यों चाटे लगे, तेरा तो कोई कुसूर ही नहीं था। बोलने लगा मेरा कोई कुसूर नहीं था, मैंने मिठाई वाले को बस इतना ही पूछा था कि राबड़ी का क्या भाव है।
Yes, I think that's an apt tribute to this very special child. And now we come to the other contestant, the second one, which is Banwarilal Jol. शेरो शायरी तुकबंदी होती है, आप जानते हैं, लखनऊ की गाड़ी में एक लखनऊ के नवाब बैठे थे, उनके बिल्कुल सामने एक हरियाणा के सज्जन बैठे थे। गाड़ी चली, लखनऊ के नवाब बोले, अमा किबला कहाँ को जा रहे हो भाई मियाँ, मैं कितने जाऊँ तेने के लेना है। मैं शायर हूँ, अगर आप कहें तो मैं एक शेर अर्ज करूँ। भाई जो तेरे लठ गाल नजार गाल ले, मैंने क्या कह रहा है, मैं दिल बेच दूँ, मैं जा बेच दूँ, मैं तेरे प्यार में सारा जहाँ बेच दूँ। वाह भाई वाह, शेर तो तूने बहुत बढ़िया पढ़िया भाई, अब हमारा भी शेर सुन ले, तू भी इजाद करेगा। मैं भैंस बेच दूँ, मैं गाँ बेच दूँ, मैं भैंस बेच दूँ, मैं गाँ बेच दूँ, मैं थारे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूँ। एक आइटम आपके समय पेश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी फिल्मों में आप जानते हैं, जब डायलेक्ट बोले जाते हैं कुछ इतनी तेजी से बोले जाते हैं, कुछ समझ आते हैं, कुछ स्लिप हो जाते हैं। और मुझ जैसा अनाड़ी जिसे अंग्रेजी बिल्कुल आती हो, अंग्रेजी फिल्म देखने चले जाए तो उसे क्या होगा। पिक्चर हॉल के अंदर बैठा था, दिल घबराने लगा। मैंने कहा भैया अगर अंग्रेजी समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरी बगल में एक छोटी टूटी साहब बैठे थे, मैंने कहा ये ठीक है, जब ये भाई साहब हंसेंगे हम भी हंस देंगे, समझ देंगे अंग्रेजी समझ आ रही है। पिक्चर शुरू हुई और जब मुझे कुछ समझ आया, मेरे भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या? कुछ नहीं जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो पिक्चर हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है। भाई साहब ने मेरी मुंडी घुमाई, मेरी तरफ मुंडी घुमाई और कहने लगे, चुपचाप बैठे रहे, मैं भी तेरा भाई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गया, मेरे पीछे ही भाई साहब बैठे थे, उन्हें शायद कुछ समझ आ रहा था, मेरे सिर पे हाथ मार चुके, कहते हैं और बैठा फोमन टैटा करी यार बीच, जेडी फिल्म तो देख रहा था ना, बोल्ट कोल्ड मोल्ड, हर सब पिक्चर देखी, बड़े मजा आया, समझ कुछ नहीं आया। जो मुझे समझ आया भाई समझाने की कोशिश करूँ, उसी एक फिल्म का ट्रेलर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बोल्ट कोल्ड एंड मोल्ड। How did you come out and enjoy the hotel? Lose the back live wall. I just no, I was here. I was here. What's up? I was up. You see, oh no, what's him? I see you. Are you up here? Are you up here? Are you up here? Are you up here? Hello, you see? I let them. Thank you. Last but not the least, we have the third contestant, Vaishnavi Shetty. So, aap sabko Vaishnavi ka pyar bhara namaskar. Today, I'm going to show you a chat between a South Indian and a North Indian. So, here I go. Ye tumre naam kya ji? Humra naam Nandulal hai. Why sir, tumra naam ka ho? Amir naam Appu Swami. Amir Chennai se aaya. Kane ka fikar nahi, naashte ka dar nahi. कड़ा ही अप स्वामी, अप स्वामी चलता पीता डोसा वाला, अप स्वामी क्या तुम चार पान खाते थे?
लेते। ए, हमरा पान का मजाक ना ही उड़ाओ, ये कोई असन वैसन पान नहीं, ये बनारसी पान है। बनारसी क्यों क्या नहीं सुना है क्या? कहीं के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ऐसा करे कमाल चरकदा किनारे बाल, चरकदा किनारे वाला। आइयो नंबुलाल तुम्हें कैंदा गंगा बोल के पानी में गिर मत जाना। आइयो बागेना तुम्हारे पानी का गाना बागेना, अभी मेरा सुन देख देख, एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मुत कोड़ी पवाड़ीड़ा, मुत कोड़ी पवाड़ीड़ा, दा दा तुमरे पास सब कुछ है ना, हमरे पास जो है वो तुमरे पास नहीं, हमरे पास लालू है, लालू सारी दुनिया लालू से डरती है, मगर लालू सिर्फ राबरी से डरता है। के नौ बच्चे हैं नौ, नंदूलाल वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी बसंती से मेरी मौत लक्ष्मी सुंदर है। अयो मौत लक्ष्मी, एक चल काले बसंती का नाम लिया तो देख, चल काले। अयो नंदलाल अब क्या गुलो काय को करता, तुम बिहारी मैं मद्रासी, पर है तो सब भारतवासी। टाटा नंदलाल नामगे पॉइंट वाले, थैंक यू। Okay, we start from the number 3 category. In the number 3 position, I would like you all to raise your hands. Which of these three artists would you like to see in the number 3 position? Vaishnavi Shetty, how many of you would like to give her the third prize? Okay. How many of you would like to give Banwarilal Jol the third prize? There's quite a big difference between the last count and this one. And how many of you would like to give Jay the third prize? Okay, so very obviously, we have Vaishnavi Shetty who's leading on the third position front. For the second position, who would you like, ladies and gentlemen? Vaishnavi Shetty? Second position. Banwarilal Jol? Second position. Jay for second position? It's very obvious, it's Banwarilal Jol for the second position, and I need to ask the third one. How many of you would like to have Jay in the first position? My God, it is almost unanimous. So there they are, ladies and gentlemen. Number 3 is Vaishnavi, number 2 is Banwarilal, and number 1, the first prize goes to the little master Jay. To do the honors, I would like to invite on stage Mr. Baldev Sharma of Marshalls. Congratulations, Vaishnavi. She gets 15,000 rupees plus a trophy. And now we have the second winner, which is Mr. Banwarilal Jol. He gets 25,000 rupees. And the winner, undoubtedly he stole all our hearts with his jokes and anecdotes and his excellent comic timing. Congratulations to Jay. He gets 50,000 rupees cash and a trophy from Marshalls. Under this program, it is not just getting 50,000 rupees,
but it's also a free, fully paid trip to Hollywood.